क्या जानकारी और क्या प्रश्न बनते हैं, फिर अपन इसकी जानकारी को लिखते हैं। एक बार वापस देखें, 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट, 30 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक प्रावार, ठीक है, या जिसको मेंटल कहते हैं, 2900 किलोमीटर से केंद्र तक जिसको अपन नाम देते हैं ट्रॉट। भूपर्पटी के भी दो पार्ट हैं, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, और ये लगभग 15 से 16 किलोमीटर की गहराई पे, 30 का आधा कितना होता है 15, 15 से 16 किलोमीटर की गहराई पर एक डिसकंटिन्यूटी लेयर है और उसको नाम कर रखा अपन ने कोनार्ड। फिर आप देखें 30 किलोमीटर जहां अपन ने कहा इससे ऊपर निचली भूपर्पटी, और इसके नीचे ये कौन सी शुरुआत हुई, ऊपरी मेंटल। सही मायने में अपन का यूं भी कह सकते हैं, इस लाइन से ऊपर क्रस्ट है, इस लाइन से नीचे मेंटल या प्रावार है, और इस 30 किलोमीटर की गहराई पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी लेयर है। लेकिन मोहो के दो तरीके से विकल्प बनते हैं, यदि प्रश्न आता है क्रस्ट व मेंटल के बीच है तो मोहो, लेकिन यदि इसी प्रश्न को और गहराई से रखे तो ऐसा कह सकता है निचली भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल, इनके बीच में क्या है, मोहो, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, जिसके बीच में अपन कहें मोहो। ये प्रश्न आ भी चुका है, अपने ही पेपर में आ चुका है, पिछली बार आया या उससे पिछली बार आया है, जिसमें ये दोनों की बात पूछी है। और उसको मैंने इसलिए कहा, हर प्रश्न का कई डायमेंशन से उसकी विकल्प बनते हैं, तो अपन ने प्रयास किया कि हो सकता है कि संख्यात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या ज्यादा बन जाए टेस्ट सीरीज में भी, लेकिन अपने सब तरीके से प्रश्न बनाए, और उसी का परिणाम था कि अपने 120 में से 60 से 62% तो केवल टेस्ट सीरीज में थे। उसका टेस्ट सीरीज से होने का कारण क्या था कि इसका प्रश्न क्या क्या बन सकता है, सीधा भी बन सकता है क्रस्ट मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल भी बन सकता है, तो दोनों तरीके से वो प्रश्न दिए हुए थे। फिर अपने कहा 100 किलोमीटर तक का पार्ट और ये सारा कैसा है ठोस, इसको नाम क्या लिखा, लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल कहते हैं, लेकिन स्थल मंडल में दो परतों का पार्ट है, संपूर्ण क्रस्ट का ठोस भाग तथा ऊपरी मेंटल का ठोस भाग, क्योंकि इससे नीचे ठोस नहीं है, ऊपरी मेंटल का ठोस भाग जो औसत रूप से 100 किलोमीटर है, जिसको लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहते हैं, और यही भाग प्लेटों का बना होता है, जिसको प्लेट अपन शब्द से प्रयोग करते हैं। इससे नीचे एक कमजोर मंडल है, दुर्बल का मतलब कमजोर, कमजोर मंडल भी कह सकते हैं, दुर्बलता मंडल भी कह सकते हैं, एस्थिनोस्फीयर भी कहते हैं, और जो अपन कहीं कैसा है, अर्ध पिघली अवस्था में, सेमी मेल, लचीली अवस्था के अंदर है, लचीला है। फिर देखा जहां दुर्बलता मंडल लचीला है, नीचे अपन के ठोस वाला पार्ट है, इससे मिलता जुलता बीच वाला पार्ट, जिसको नाम क्या रख दिया, संक्रमण ट्रांजिशन जोन है, और इस 700 किलोमीटर की गहराई पे फिर एक अपन कहें डिसकंटिन्यूटी लेयर, जिसका नाम रखा रेपेटी। इसका मतलब ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, मेंटल को दो पार्ट में करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर, जिसका नाम है रेपेटी। फिर आप देखें 2900 किलोमीटर जहां अपन देखें ऊपर का भाग तो क्या है, निचली मेंटल, नीचे वाला भाग क्या है, बाई क्रोड, जिसके बीच में कौन सा, गुटेनबर्ग भिन्नता तल या असंबद्धता। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, गुटेनबर्ग को मेंटल और क्रोड भी कहा जा सकता है, और निचली मेंटल और बाई क्रोड भी कहा जा सकता है, और फिर 5150 के ऊपर जिसको कहा बाई क्रोड, जो तरल अवस्था में, आंतरिक क्रोड जो ठोस अवस्था में है, जहां कौन सी डिसकंटिन्यूटी लेयर है, लेहमा। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर असंबद्धता परतों का सही क्रम है, कर सकते हो, लिखाने की आवश्यकता है क्या, दिख रहा है चित्र में ही। प्रश्न पूछा जाए ऊपरी यानी
भूपटल से भूपरपटी से केंद्र की ओर जाने पर असंबद्धता परतों का सही क्रम है वो तीन तीन चार चार लिखेगा, ए में लिखेगा चार, फिर बी में लिखेगा चार। अब आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर कौन सी है, कोनार्ड है, फिर मोह है, फिर रेपेटी है, फिर उसके बाद गुटेनबर्ग है और फिर लेमान है। ऐसे भी आपको क्रम से भी प्रश्न कर सकता है। तो अब लिखें आप सबसे पहले लिखें क्रस्ट, ये गलत तो लिख दिया था क्या चित्र। बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जो चित्र में लिखते हैं, बाकी जरूरी नहीं कि हर चीज को लिखते हैं। कॉलेज लेक्चरर में आया था सर, पूनम राठौर कह रही है शायद ये प्रश्न निचली भूपरपटी ऊपरी मेंटल का जो प्रश्न है ये कॉलेज लेक्चरर में आया है। हाँ सर, पृथ्वी के बीच में लंबवत बीच वाली रेखा, अच्छा ये कह रही हैं, इस लाइन की बात कर रही हैं बीच वाली रेखा। ये तो अपन ने केवल जानकारी लिखने के लिए बनाया है। पृथ्वी क्या है, ये केंद्र है, ये क्या है गोल, ऐसा ही तो है। तो मैंने केवल यहां से और यहां तक एक पार्ट दिखा दिया, बल्कि ये सारा पार्ट कैसे पृथ्वी का गोल रूप में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी इस लाइन पे आके समाप्त हो गई, इसके आगे भी है ये। ठीक,
आंतरिक व बाह्य क्रोड के बीच जो लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई में है। ये बातें थी जो अपन कहीं अभिनव मत की बात जो अपन ने की थी है? है? ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ही था जो 12 किलोमीटर की गहराई जो कोला प्रायद्वीप में था। अपन ने कहा ड्रिलिंग के माध्यम से पदार्थ निकाला, उसको देखा। ऐसा नहीं कि 12 किलोमीटर तक अपन व्यक्ति पहुंच गया। आप देखते हो ना, ड्रिलिंग मशीन से पदार्थ को निकाल के देखा। तो ये बातें थी। अभी अपने डबल डी प्राइम परत कहाँ है? देखो ये आता है कहीं ऐसा प्रश्न हो, डबल डी प्राइम हालांकि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक परत का नाम लिखा जाता है 2600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की जो गहराई, इस परत को लिखा जाता है डबल डी प्राइम। पूछा डबल डी प्राइम 2600-2900 किलोमीटर की गहराई वाले बीच वाले भाग में जो अपन कहे मेंटल और क्रोड से जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको डबल डी प्राइम परत का भी नाम दिया गया है। डबल डी प्राइम परत अभी अपने इसमें जो बातें हैं, होम्स ने दो परतों के रूप में कंप्लीट पृथ्वी को बताया, क्रस्ट और सब स्टेटम के रूप में। ऐसे ही एडवर्ड स्विस जो ऑस्ट्रेलियन भूगर्भवेत्ता हुए हैं, उन्होंने सियाल सीमा और निफे के रूप में परतों की जानकारी दी। ऐसे ही नीदरलैंड के एक भूगर्भवेत्ता हुए वांडर ग्राक, उसने चार परतों की जानकारी दी। तो छोटी छोटी जानकारियां इसमें बची हैं। फिर एक प्रश्न ऐसा भी आता है, भू परपटी में सबसे ज्यादा तत्व कौन से हैं? जैसे अपन कहें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर सिलिकन है, फिर एल्यूमिनियम है। ऐसे पूछता है संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा तत्व कौन से हैं? तो उनकी बात अपन कल वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।